तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लास्टर में काम में आने वाले एक ऐसे मटेरियल के बारे में जिसको आप प्लास्टर मोर्टार में मिला के दीवार पे आने वाली किसी भी क्रैक को रोक सकते हो। जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में क्या होता है कि जो प्लास्टर आउटर मोस्ट जगह पे लगा होता है, जैसे कि पैरापेट हो गया, बाहर की दीवारें हो गई, कंपाउंड वॉल हो गई, उन जगह पे जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद में, 3 महीने या 6 महीने बाद में उन पे क्रैक आने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो प्लास्टर एनवायरनमेंट में रहने के कारण, उस पे बारिश गर्मी का असर होने के कारण उसमें फिर क्रैक आने लग जाती है। और इसके लिए हम उन क्रैकों को रोकने के लिए एक ऐसा मटेरियल लेके आए हैं जो उन क्रैकों को रोकेगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का निशान दबा लीजिए और चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो पता चलेंगे। अभी ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये प्लास्टर मोर्टार में सूख के ही मिला दिया जाता है, ड्राई मटेरियल में ये इसको मिला दिया जाता है। और ये एक थिन फाइबर होते हैं जो प्लास्टर के मोर्टार के जो कण होते हैं उनको आपस में पकड़ के रखते हैं और उसमें क्रैक को डेवलप नहीं होने देते हैं। अगर एनवायरनमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट, कोई भी प्रभाव आपकी दीवार के प्लास्टर के मोर्टार पे पड़ता है, बाहर के प्लास्टर पे, तो उसमें क्रैक डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि ये जो मटेरियल थिन फाइबर है ये प्लास्टर को अच्छे से पकड़े हुए रहता है, उसकी जो बॉन्डिंग है उसको काफ़ी मजबूत कर देता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से आगे वीडियो में बताऊंगा। इस मटेरियल को मोर्टार में मिक्स अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, और मिक्स करने के बाद में जैसे हम मोर्टार बनाते हैं वैसे ही पानी मिला के फिर इसको अप्लाई कर देना चाहिए। ये देखिए, छोटे छोटे थिन पार्टिकल जो फाइबर के हैं वो मोर्टार में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद में इसमें पानी मिला के फिर इसको डायरेक्ट ही दीवार पे अप्लाई कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो फाइबर हैं वो दीवार में आने वाली किसी भी क्रैक को प्रिवेंट करेंगे, उसको रोकेंगे। और ये देखिए, अप्लाई करने के बाद में ये छोटे छोटे जो फाइबर हैं वो पूरी प्लास्टर मोर्टार, पूरी प्लास्टर की दीवार पे फैल चुके हैं। इसके बाद में ये देखिए, मैं जो आपको पूरी दीवार दिखा रहा हूँ, इस दीवार में ये केमिकल, ये मटेरियल थिन फाइबर मिला के ही किया गया है, और इसमें आपको वाइट वाइट स्पॉट जो दिख रहे होंगे वो थिन फाइबर के ही हैं। अभी इस थिन फाइबर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है केडियम फाइबर, टेंसाइल रेनफोर्स और क्रैक प्रिवेंशन करता है, फॉर रिड्यूसिंग क्रैक लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसको अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, इसकी बैक साइड में लिखा हुआ है मोर स्ट्रेंथ, मोर ड्यूरेबिलिटी और इंक्रीज सर्विस। अब जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं मैं बता देता हूँ। 50 kg के बैग में एक पैकेट को मिलाया जाता है और 1-2 मिनट इसको रख दिया जाता है मोटर को, और ये एक इंजीनियर की देखरेख में ही इसको मिला के काम में लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरे थिन फाइबर के बारे में बताया है। ये एक पैकेट है वो 50 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और दोस्तों, मैंने आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो चैनल नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे आप आने वाली कंस्ट्रक्शन साइड में नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।